वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे वीरो, अज असी तुहानू एक बहुत ही वधिया कहानी सुनावांगे। यह लालच प्रति कहानी सुनावांगे। इस कहानी नू बनाउण दा मकसद है तुहानू कुछ ना कुछ सीखण नू मिले, इसलिए वीडियो अंत तक देखना। इस कहानी दा लाभ उठाउण लई वीडियो अंत तक देखना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव साहिब जी अजमेर वल्लों चित्तौड़गढ़ प्रस्थान कर रहे सन, तां रस्ते विच विशाल वीराने रेगिस्तान वल्लों गुजरना पिया। उत्थे व्यक्ति जीवन ना मात्र नूं भी नहीं सी। चलदे चलदे भाई मरदाना नूं भुख प्यास सतान लगी। उन्हां ने गुरुदेव वल्लों अनुरोध किया, उस वल्लों हुण चलिया नहीं जांदा, कृपा करके पहला उसकी भुख प्यास मिटाउण दा प्रबंध करो। गुरुदेव ने उन्हां नूं सातवना दित्ती अते कहा, ध्यान वल्लों वेखो, किते ना किते वनस्पति विखाई देवेगी, बस उत्थे ही पानी मिलन दी संभावना है। भाई मरदाना नूं कुछ दूरी चलन दे बाद अक दे बूटे उगे हुए दिखाई दिते। गुरुदेव ने उन्हां नूं कहा कि इन्हां बूटियां दे हेठां डूंढण ते इक विशेष प्रकार दा फल प्राप्त होवेगा, जो कि तरबूज दी तरां पानी नाल भरिया हुंदा है। उस दे पानी नूं पी के प्यास बुझा लवो अते इत्थे किते भूमिगत कंदमूल फल भी प्राप्त होवेगा, जिन्हों लोड़ अनुसार सेवन करके भुख वल्लों तृप्ति प्राप्त कर सकते हो। भाई मरदाना जी ने अजिहा ही किया। उन्हां नूं दोनों प्रकार के फल मिल गए, पर कंदमूल फल का कुछ भाग भाई मरदाना जी ने पल्लू विच वंड लिया। जदों चलते चलते उन्हां नूं फिर भुख अनुभव हुई तो उस फल नूं वह दोबारा सेवन करन लगे, पर होया कि हुण तां उह कंदमूल फल बहुत ही कौड़ा हो गया सी। गुरुदेव ने कहा, कुदरत दा कुछ अजिहा निजम है कि यह फल ताज़ा ही प्रयोग विच लिया जा सकता है। कट के रखण उत्ते इस विच रसायन क्रिया होण दे कारण कड़वापन आ जाता है, अर्थात त्यागी पुरशां नूं संतोष करना चाहीदा है। जिसने अज दिता है वह कल भी देवेगा, यह गल ध्यान रख के वस्तुआं दा भोग करना चाहीदा है, नाल बनन दी कोई लोड़ नहीं। सानू उस टाइम उस वस्तु दा प्रयोग करना चाहीदा है जिस टाइम उसका समा अनुकूल है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसका सिट्टा यह निकलता है कि लालच दा फल हमेशा कौड़ा ही निकलता है। जिन्हें लालच किया वह इस प्रकार वल्लों फसया, जिस तरह गुड़ दे लालच विच मक्खी गुड़ वल्लों चिपक के ही रह जाती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।